Look, who do we have here? नौजवान नस्ल को बदलने का ठेकेदार। सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बेताब। आज हमारी गिरफ्त में। वाह, तो क्या हुआ, पकड़े गए ना? तुम चाहते क्या हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। मैं सच जानना चाहता हूं। सच सुन पाओगे? हाँ, झूठ सुनने की मेरी आदत नहीं। तुम बोलो तो सही। सच सच तो यह है कि इस्लामाबाद में कुछ नौजवानों ने एक ख्वाब देखा था, फिर सफर की शुरुआत हुई और कारवां बनता गया। मुझे वो सब मत बताओ जो मुझे पहले से पता है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इतने पॉडकास्ट, वीडियोस, लेक्चर्स, इवेंट्स, ये सब कैसे हर घर में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में घुस गया है यूथ क्लब। लाखों नौजवानों की जिंदगियां बदल दी हैं। हमने जिन एजेंडास पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, उन्हें तहस नहस कर दिया। कैसे? अल्लाह, अल्लाह। मगर यहां पे कार्रवाई कौन कर रहा है? अल्लाह के खास बंदे। कौन से खास बंदे? वही जो इस सब का अजर ले जाना चाहते हैं, वही जो इस पाकिस्तान में खैर देखना चाहते हैं, वही जो आने वाली नस्लों को तुम्हारे नापाक एजेंडा से बचाना चाहते हैं, वही जो चाहते हैं कि रमजान की रातों में अपने लिए कोई सदका जारिया छोड़ जाए, वो जो खामोशी से लोगों की दुनिया और अपनी आखिरत बदल रहे हैं, वही जो बस लंबी कहानियां ना सुनाओ मुझे, सीधी तरह बताओ कौन है वो लोग? यूथ क्लब के चाहने वाले इस इदारे का दायां बाजू हैं। क्या हुआ, डर गए? मुझे तो तुमने पकड़ लिया, लेकिन उन लाखों बल्कि करोड़ों को कैसे पकड़ोगे? देख लेंगे। एंड कट। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अल्लाह के ये खास बंदे आखिर कौन लोग हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि वो असल में खास बंदे आप लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। यूथ क्लब वो इदारा जो पिछले 12 साल से मुस्तकिल तौर पर इस चीज़ पर गामजन है कि आज की इस नौजवान नस्ल की कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए, उनको एथिकल और मॉरल वैल्यू सिखाए जाएं अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो इस कार्य खैर में आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ तावुन कीजिए, क्योंकि हम ये काम आपकी मदद के बगैर नहीं कर सकते।